ये अच्छी है, ये देखो ये कैसी लगी, रंग भी अच्छा है, देखो एक सेकेंड, ये अच्छा है दादी, ये भी ले लीजिए। क्या कर रहे हैं नक्श, इतना सब कुछ क्यों? अरे आप मेरे लिए व्रत रख रहे हैं और मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। पिछले 2 सालों में तीज कब आई कब गई पता ही नहीं चला, पर इस बार मैं मनाऊंगी। पर कैसे, सबके बीच तो व्रत रखना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर कैसे रखूंगी? शायद सबसे पहले अब माँ से बात करनी होगी, अगर वो मान जाएंगी तो सब मान जाएंगी। हिम्मत करके कोशिश तो कर रहे हैं कार्तिक, पर क्या लगता है वो मान जाएंगी? कोशिश तो वही है। कल पापा ने पूछा था, लेकिन उनका बिहेवियर देखकर समझ गया कि वो हमारे साथ आने की बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब पता चला कि माँ यहाँ अकेली, तो तुम्हें भी बुला लिया। हम साथ रहेंगे तो बात करने में आसानी होगी। पता नहीं क्यों कार्तिक, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ आते हुए भी पूरे रास्ते में यही सोच रही थी, जो कुछ भी हुआ हमारे बीच इन 2 सालों में। मत याद करो उन बातों को, याद ही करना है तो उन पलों को याद करो जब तुम्हारे बीच सब ठीक था, अच्छा था। वो भी कोशिश की थी करते, पर एनीवेज तुम शायद बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वक्त मुझे सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं उनसे ऐसा क्या कहूँ जो वो मान जाए। किसी का भी फैसला चाहे जो, हमारा फैसला वही है, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। शुभम को तो आपने छीन लिया मुझसे, वापस नहीं आता। कम से कम कार्तिक को मुझसे मत दूर जाने दीजिए। अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। ये मदद मैं उसी के लिए मांग रही हूँ, उसे मेरे पास वापस भेज दीजिए प्लीज। उसकी नाराजगी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, अपनी माँ से नाराज ना रहे बस। ये सारा चढ़ावा मैं आपके दरबार में चढ़ाऊंगी, उसे हटा दीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए मुझे प्लीज। मैंने ड्रॉप करके आता, आप चलिए मेरे साथ। संभाल के कीड़ी हैं आप।
रास्ता छोड़ दो हमारा। कार्तिक की जिंदगी से निकल के भी नहीं निकलोगे तुम? उसके नाम की पूजा तक में तुम्हारा जबरदस्ती घुसना जरूरी था ना? अब तो रिश्ता खत्म हो गया है ना, तुम दूर क्यों नहीं हो जाते? चैन से जीने दो मेरे बेटे को प्लीज। कैसे बताएंगे हम उन्हें घर थे? वो तो मुझे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, पर अब और छुपाएंगे नहीं किसी से, सबको बता देंगे कि सच क्या है। हाँ नायरा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सही मौके का इंतजार करते रहे और गड़बड़ हो जाए। गड़बड़? जस्ट इमेजिन, जब भी हम बताएंगे सभी को तब ब्लास्ट तो होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बताने से पहले ही सबको कहीं और से पता चल जाए, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो है कार्तिक, पर कुछ नहीं नायरा, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। जब हम लड़ रहे थे, एक दूसरे से अलग होने जा रहे थे, तब तो हमने किसी के बारे में नहीं सोचा। आज जब कुछ अच्छा करने जा रहे, अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें उसे सुधारने जा रहे, तो इतना क्यों सोच रहे? और वैसे भी भगवान जी है ना हमारे साथ, तो फिर काहे का डर? आप सुन रही है ना, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हमारा साथ देना ही होगा बस। हमें पता है ये आसान नहीं होगा, पर हम हार नहीं मानेंगे। आप हमारी हिम्मत बनाए रखना। मेरे बेटे को नायरा से मेरा खुद से हमेशा दूर रखना होगा, प्लीज दूर रखना। कल तीज मैं व्रत रखूंगी, कल ही हम सबको बता भी देंगे। इससे अच्छा दिन और क्या होगा बताने के लिए? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।